हेलो दोस्तों, मैं सविता और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में प्लांट पैथोलॉजी लेके आए हूँ। प्लांट पैथोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं, इसका क्या पर्पज़ है, ये किस भाषा का शब्द है और इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो प्लांट पैथोलॉजी है वो हमारा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसकी मीनिंग क्या होती है, प्लांट पैथोलॉजी को फाइटो पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो फाइटो पैथोलॉजी तो फाइटो प्लांट पैथो पैथो का मीन पैथो मीन्स होता है डिसीज़, और लॉगस स्टडी करना, मतलब प्लांट की जो डिसीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे फाइटो पैथोलॉजी कहते हैं या फिर प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। और इस डेफिनेशन में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। जो प्लांट में डिसीज़ होती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो डिसीज़ लगी है प्लांट में क्या है, कैसी डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और क्यों स्टडी करते हैं, क्या पर्पस है, इसलिए हम स्टडी करते हैं क्योंकि जो हम क्रॉप उगाते हैं उसमें डिसीज़ लग जाती है, प्रोडक्शन कम होता है, और जो क्रॉप फ्रूट्स होते हैं उनकी क्वालिटी लो होती है। तो इन सब क्वालिटी को कंट्रोल करने, इन सब क्वालिटी जो क्वालिटी होती है उन्हें कंट्रोल करने के, डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए हम इन सब जो डिसीज़ रहती है इनके बारे में स्टडी करते हैं। अब डिसीज़ क्या होती है हम देख लेते हैं। डिसीज़ मतलब डिसीज़ को अगर देखा जाए तो डिस प्लस ईज़, इसके मीन मतलब नो, ईज़ माने कंफर्टेबल। जो हमारा प्लांट है वो अच्छी तरह से प्रोसेस कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस कर रहा है, मतलब अचानक से किसी भी कारण, किसी भी वजह से जो हमारा प्लांट होता है उसकी जो वर्किंग प्रोसेस में जो होता है अवरोध उत्पन्न हो जाता है, एकदम जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, माल फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो जो होती है डिसीज़, उसे हम डिसीज़ कहते हैं। माल फंक्शन में प्रोसेस आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, वर्क ठीक से नहीं कर पाता है, तो उससे जो होता है हमारा प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है, तो ऐसी इसे हम डिसीज़ कहते हैं। अब डिसीज़ हमें क्या, डिसीज़ कैसे हो जाती है, जो डिसीज़ हमारी हो जाती है तो जो कुछ एजेंट होते हैं जो हमारी डिसीज़ को फैलाते हैं, काज करते हैं, तो जो एजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट पैथोजन। जो ये हमारे एजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्लांट पैथोजन। जो एजेंट हमारे डिसीज़ को जनरेट करते हैं इन्हें हम प्लांट पैथोजन कहते हैं। ये पैथोजन, पैथो डिसीज़ जन जनरेट करना, ये जो प्लांट पैथोजन होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि जो डिसीज़ कौन फैलाता है, डिसीज़ किसके कारण होते हैं, तो जो डिसीज़ को फैलाते हैं, जो प्लांट में डिसीज़ की एंट्री करते हैं, वो जो एजेंट होते हैं वो प्लांट पैथोजन कहलाते हैं। प्लांट पैथोजन डिसीज़ और जन जनरेट करना, तो मतलब जो ये डिसीज़ को हमारे प्लांट में जनरेट करते हैं इसे हम प्लांट पैथोजन कहते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बेस्ड ऑन कॉज ऑफ डिसीज, जो काजेज होते हैं उनके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके बेस पर दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो होता है डिसीज़ का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, डिसीज़ का एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक नॉन पैरासिटिक और बायोटिक पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक वो बेसिकली वो होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी पर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं, उन्हें पैरासिटिक कह देते हैं। नॉन पैरासिटिक और वो किसी पर बेस्ड नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन पैरासिटिक कह देते हैं, या फिर नॉन पैरासिटिक को एबायोटिक कह देते हैं और पैरासिटिक को बायोटिक कह देते हैं। जो बायोटिक हैं तो इसमें टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, न्यूट्रिएंट हो गया, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ये टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, ह्यूमिडिटी, ये लाइट वगैरह सब जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के द्वारा जो डिसीज़ कॉज की जाती है वो डिसीज़ उसे डिसऑर्डर बोल देते हैं, डिसऑर्डर बोल देते हैं।
डिसऑर्डर बोल देते थे, जैसे कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो होता है बोरान की कमी से हो जाता है, और इंटरनल नेक्रोसिस जो मैंगो में हो जाती है वो बोरान की, वो भी बोरान की कमी से हो जाती है, और जो मैंगो में माल फार्मेशन हो जाता है वो टेम्परेचर की, ग्लो टेम्परेचर के कारण हो जाता है। ये जो हमारा हो जाता है मैंगो का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है। और हेलो मतलब ब्लैक हार्ट जो हो जाता है वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है पोटैटो में। तो ये जो हमारे हो गए ये डिसऑर्डर हो गए, जो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा डिसीज कॉज की जाती है उसे हम डिसऑर्डर बोल देते हैं, और जो बायोटिक एजेंट के द्वारा डिसीज कॉज की जाती है उसे हम डिसीज बोल देते हैं, वो पैथोजन के द्वारा होती है। जैसे कि ये जो बायोटिक डिसीज होती है मतलब बायोटिक जो फैक्टर के द्वारा होती है, तो फंगस के द्वारा हो जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है, वायरस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिसीज फैलती है उसे हम कह देते हैं बायोटिक। बायोटिक डिसीज हम देख लेते हैं, तो बायोटिक डिसीज होती एक एक तो एक एपिडेमिक होती है, दूसरी स्पोरेडिक होती है, तीसरा एंडेमिक होती है, चौथा पेंडेमिक होती है। एपिडेमिक डिसीज क्या होती है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो लास्ट तक देखें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है।